हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की आइकन 10 की 7th स्टैंडर्ड की बुक का 3rd चैप्टर, जिसका नेम है स्टूडेंट्स फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आप एक्सेल के फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस को सीखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सभी स्टूडेंट्स के लिए। सो लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ एक्सेल इज इट्स एबिलिटी टू परफॉर्म कैलकुलेशन। एक्सेल का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर क्या है स्टूडेंट्स, वो है कैलकुलेशन को परफॉर्म करने की एबिलिटी। कैलकुलेशन करने की जो एबिलिटी है वो एक्सेल में होती है स्टूडेंट्स, इधर यूजिंग अ फॉर्मूला और अ फंक्शन, या तो फॉर्मूला का यूज करके या फिर किसी फंक्शन की यूज करके एक्सेल हमें कैलकुलेशन देता है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में यू विल लर्न द बेसिक ऑफ फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस। आप फॉर्मूलाज एंड फंक्शन के बेसिक्स को सीखेंगे एंड हाउ दे कैन बी यूज इन डिफरेंट सिनेरियोज, और अलग अलग सिनेरियोज में ये कैसे यूज किया जाता है इसको भी सीखेंगे। फॉर्मूलाज आर द यूजर डिफाइंड इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म कैलकुलेशन। फॉर्मूलाज क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये यूजर डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस होते हैं कैलकुलेशन को करने के। यूजर के द्वारा डिफाइन किए गए कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनसे हम कैलकुलेशन करते हैं स्टूडेंट्स। वेयर इज, जबकि फंक्शंस आर द प्री डिफाइंड और इन बिल्ट फॉर्मूलाज दैट कम विद एक्सेल। फंक्शन क्या होते हैं स्टूडेंट्स, फंक्शन प्री डिफाइंड होते हैं, पहले से डिफाइंड होते हैं, या तो किसी फॉर्मूले में होते हैं जो कि एक्सेल के द्वारा दिए जाते हैं। तो एक्सेल के अंदर जो भी फॉर्मूलाज होते हैं उनमें इनबिल्ट होते हैं फंक्शंस। फॉर्मूलाज इन एक्सेल स्टूडेंट्स, फॉर्मूलाज आर यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिविजन एंड मल्टीप्लीकेशन एटसेट्रा। फॉर्मूलाज का यूज कहाँ किया जाता है स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन करने के लिए, जैसे एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, डिविजन एंड मल्टीप्लीकेशन, इन सबको फॉर्मूलाज के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है स्टूडेंट्स। फॉर्मूला एस्टेब्लिशेज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर सेल्स। एक फॉर्मूला दो या दो से अधिक सेल के बीच में एक रिलेशनशिप स्थापित करता है, एक संबंध बना देता है स्टूडेंट्स। इट इज एन एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन है दैट कैन इंक्लूड, जो जोड़ सकती है सेल एड्रेसेस को, नंबर्स को, अर्थमेटिक्स ऑपरेटर्स को एंड पैरेंथेसिस को, इन सबको ये जोड़ सकती है, ये एक एक्सप्रेशन होती है। By using them, इसका use करके you can perform, आप perform कर सकते हैं simple as well as complex calculation। आप simple से simple और complex से complex calculation को भी इसके द्वारा कर सकते हैं students। A formula must begin with an equal to symbol followed by cell references and operators। एक formula symbol जो equal to का symbol होता है students, उससे शुरू होना चाहिए, followed by cell references and operator, और उसे follow किया जाता है cell references and operator के द्वारा। इट में कंटेन अ फ्यू और ऑल ऑफ द ब्लू मेंशन्ड एलिमेंट्स, उसमें कुछ या नीचे दिए गए जो एलिमेंट्स हैं वो हो सकते हैं स्टूडेंट्स। सो फर्स्टली है एलिमेंट्स में रेफरेंसेस, अ सेल और अ रेंज ऑफ सेल्स, एक सेल या एक सेल की रेंज दैट यू वांट टू इंक्लूड इन योर कैलकुलेशन, जो आप अपनी कैलकुलेशन में जोड़ना चाहते हैं स्टूडेंट्स, उसे हम रेफरेंसेस बोलते हैं। ऑपरेटर क्या होता है स्टूडेंट्स, सिंबल्स, सिंबल्स में प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एटसेट्रा दैट स्पेसिफाई द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड, जो ऑपरेशन को करते हैं, जो भी हमने कैलकुलेशन दी है उसको करने के लिए कुछ ऑपरेटर्स की जरूरत होती है, तो उन ऑपरेटर्स को जो कि उस स्पेसिफाई ऑपरेशन को करते हैं उन्हें ऑपरेटर्स बोलते हैं। ऑपरेटर्स में ये सभी सिंबल्स जो यहाँ पर दिखाए गए हैं, ये सभी सिंबल्स और इससे अलग भी बहुत से सिंबल्स होते हैं, वो सभी ऑपरेटर्स होते हैं स्टूडेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, नंबर्स और टेक्स्ट वैल्यू दैट डू नॉट चेंज। नंबर्स और टेक्स्ट वैल्यू वे कभी चेंज नहीं होती है स्टूडेंट्स, और जो चेंज नहीं होती है उसे कॉन्स्टेंट बोलते हैं। फंक्शन क्या होते हैं स्टूडेंट्स, फंक्शंस होते हैं प्री डिफाइंड फॉर्मूला इन एक्सेल, एक्सेल में पहले से ही डिफाइंड फॉर्मूलाज फंक्शन होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ फॉर्मूलाज, फॉर्मूलाज के एलिमेंट्स क्या हैं, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर पिक्चराइजेशन के द्वारा आपको बताया गया है कि सेल एड्रेस, ये सेल एड्रेस है कम्प्लीटली, और इसमें सबसे पहले आ जाता है स्टूडेंट्स इक्वल टू सिंबल। इक्वल टू सिंबल यहाँ पर लगाया गया है, जैसे सेल एड्रेस दिया गया तो उसमें इक्वल टू सिंबल लगाया गया। देन यहाँ पर ये ए टू, बी टू, ई थ्री, ई फाइव, ये सभी सेल रेंज हो जाती हैं स्टूडेंट्स की, सेल की हमने रेंज ले ली, उस पर क्लिक करके रेंज ले ली जाती है, ये मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगी स्टूडेंट्स। एंड स्टूडेंट्स ये प्लस, मल्टीप्लीकेशन, माइनस, ये सभी क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं स्टूडेंट्स, इन्हें ही हम ऑपरेटर बोलते हैं, जैसा कि आपको यहाँ सिंबल में बताया गया है कि ये सभी सिंबल्स मैथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं। एंड स्टूडेंट्स ये जो फाइव है यहाँ पर लिखा हुआ है, ये फाइव कैलकुलेशन के लिए लिखा गया है, तो इसे क्या हम बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे स्टूडेंट्स, ये कांस्टेंट है। एंड स्टूडेंट्स सम,
सम क्या है, ये एक फंक्शन है स्टूडेंट्स, ये कि प्री डिफाइंड फंक्शन जो कि पहले से डिफाइंड है। इसमें सम करने का पूरा डिफाइन किया हुआ है कि जैसे हम इसका यूज करेंगे तो ये सम करेगा E3 से E5 तक की रेंज को। सो स्टूडेंट्स इस तरह से ये एलिमेंट्स हो जाते हैं फार्मूला के। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, क्रिएटिंग अ बेसिक फार्मूला, एक बेसिक फार्मूला क्रिएट करना है स्टूडेंट्स। अ बेसिक फार्मूला इन्वॉल्व्स ओनली वन टाइप ऑफ ऑपरेटर इन इट। एक बेसिक फार्मूला में जो इन्वॉल्व होते हैं ओनली वन टाइप ऑफ ऑपरेटर होता है उसमें, केवल एक तरह का ही ऑपरेटर उसके अंदर होता है बेसिक फार्मूला में। लेट अस यूज इट टू कैलकुलेट द सम ऑफ द नंबर्स इन B2, B3, B7 एंड डिस्प्ले द रिजल्ट इन B8। चलिए यूज करते हैं इसे कैलकुलेट करने के लिए, नंबर और सम ऑफ नंबर्स, नंबर्स का टोटल करेंगे हम, जिसमें B2, B3 और B7 एंड डिस्प्ले द रिजल्ट इन B8, और उसका आंसर दिखाया जाएगा B8 में। B2, B3 और से लेकर B7 तक उसमें हम कुछ नंबर्स टाइप करेंगे और उससे आपको B8 में उसका रिजल्ट दिखाएगा ये। एंटर द डेटा एज शोन इन फिगर 3.1। हमें सबसे पहले डेटा को एंटर करना होगा जो कि फिगर 3.1 में आपको दिखाई गई है। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये हमें एंटर करना होगा। देन क्लिक ऑन द सेल B8। उसके बाद हमें सेल पर क्लिक करना होगा B8 पर, वेयर यू वॉन्ट टू डिस्प्ले द रिजल्ट, जहाँ भी आप रिजल्ट चाहते हैं। B8 पर क्लिक करने के बाद एंड टाइप इक्वल टू साइन, उसके बाद वहाँ पर आपको इक्वल टू का साइन टाइप करना है स्टूडेंट्स। तो सो स्टूडेंट्स अब इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं क्योंकि ये प्रैक्टिकली ही समझ में आएगा। सो हम अभी एक्सेल ओपन कर लेते हैं। एक्सेल ओपन हो चुका है स्टूडेंट्स, एंड यहाँ पर एक्सेल की शीट पर मैंने वो शीट रेडी कर दी है जो मैंने अभी आपको दिखाई थी। देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज द शीट इन योर बुक। सो ये शीट मैंने यहाँ टाइप कर दी है स्टूडेंट्स। अब इसमें पॉइंट बाय पॉइंट हम सीखते हैं। फर्स्टली कहा गया है क्लिक ऑन द सेल B8 वेयर यू वांट टू डिस्प्ले द रिजल्ट एंड टाइप इक्वल टू साइन। फर्स्टली हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, हमें B8 सर्च करना होगा कि वेयर इज B8 सेल। सो स्टूडेंट्स इस तरह से B8, B2 या B3 सेल्स को सर्च करने का मेथड होता है कि हमें सब फर्स्टली उस कॉलम को देखना होगा जहाँ पर B लिखा होगा। देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज द कॉलम B, एंड यहाँ पर ये नंबरिंग रोज की नंबरिंग दी गई है, उसमें 8 के सामने B कॉलम में 8 के सामने हमारी ये B8 सेल आ जाता है। यदि हमें B2 सेल सर्च करना है तो स्टूडेंट्स देखिए B एंड उसके सामने 2 वाली रो में B के अंदर B कॉलम में हम ये B2 मानते हैं। इस तरह से ये डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, आप देख सकते हैं ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, एंड दिस इज द B2, B3, B4, एंड दिस इज A8 एंड दिस इज B8। बिकॉज B कॉलम में यदि 8 नंबर पर हम हैं तो उसे B8 बोलेंगे, एंड A कॉलम में यदि हम 4 पर हैं तो उसे A4 बोलेंगे। सो यहाँ पर हमें बोला गया कि B8 पर हम क्लिक करेंगे सेल पर, सो वो हमने कर दिया है, और वहाँ पर इक्वल टू का मार्क लगा देंगे। हमने इक्वल टू का कीबोर्ड से मार्क लगा दिया, सिंबल लगा दिया है। आगे देखते हैं, क्लिक ऑन द सेल B2, अ डैश्ड बॉर्डर कॉल्ड मर्क्यू विल अपेयर अराउंड इट। हमें B2 सेल पर क्लिक करना है, एक डैश बॉर्डर जैसे कि मर्क्यू होता है उसकी तरह अपेयर होगा उसके चारों ओर। इट एड्रेसेस विल अपेयर इन द सेल B8 एंड इन द फॉर्मूला बार, और इस सेल का जो एड्रेस है वो B8 में जो कि हमारी टोटल सेल के सामने है B8 में अपेयर हो जाएगा, और फॉर्मूला बार में भी उसका एड्रेस दिख जाएगा। दिस मेथड ऑफ क्लिकिंग ऑन द सेल टू एड इट्स रेफरेंस टू अ फॉर्मूला इज कॉल्ड पॉइंटिंग। फॉर्मूले में किसी सेल के अंदर कोई फॉर्मूला लगाने के बाद जब हम ये क्लिकिंग का मेथड यूज करते हैं स्टूडेंट्स तो उसे कहा जाता है पॉइंटिंग। जब भी हम किसी फॉर्मूले के अंदर ये एड्रेस रेफरेंस डालते हैं किसी भी सेल में कोई फॉर्मूला लगा के और उसमें रेफरेंस लेते हैं, तो इस तरह की जब क्लिकिंग करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग बोलते हैं स्टूडेंट्स। द स्टेटस बार विल डिस्प्ले द स्टेटस ऑफ द पॉइंट। स्टेटस बार भी इसके स्टेटस में पॉइंट दिखाएगा स्टूडेंट्स। आइए स्टूडेंट्स फर्स्टली देखते हैं, यह हमने इक्वल टू का मार्क लगाया है। अब हमें B2 कहाँ है, ये 2 है एंड B कॉलम में, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट्स देखिएगा यहाँ पर एक मर्क्यूरी लाइन आ चुकी है और कलरफुल लाइन है, एंड स्टूडेंट्स आप स्टेटस बार भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आ चुका है पॉइंट, तो इसे पॉइंट बोलते हैं इस तरह के मेथड को। एंड स्टूडेंट्स अब आगे देखते हैं क्या कहा गया है, नाउ टाइप द प्लस सिंबल। अब हमें प्लस सिंबल टाइप करना है, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर प्लस सिंबल टाइप कर देते हैं। शिफ्ट के साथ हम प्लस का मार्क लगाएंगे, या फिर हमें अपने राइट साइड में जो कीपैड होता है नमलॉक ओपन करके ऑन करके वहाँ पर हम प्लस का मार्क डायरेक्टली भी लगा सकते हैं, अदरवाइज लेफ्ट साइड में अपर रो में शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे।
सो यहाँ पर बी टू के साथ हमने प्लस लगा दिया है। एंड नेक्स्ट है रिपीट द अबव स्टेप्स टिल बी सेवन और टाइप। अब हमें ऊपर वाला स्टेप जो ये पॉइंटिंग वाला स्टेप्स है इसे हमें रिपीट करना है स्टूडेंट्स। कहाँ तक करना है? बी सेवन तक रिपीट करना है। इस तरह से हमारा लिखा हुआ आ जाना चाहिए इन द सेल बी एट। बी एट में इस तरह से हो जाना चाहिए। यू विल नोटिस द डिफरेंट कलर्स बॉर्डर अपेयरिंग अराउंड दीज सेल्स। इन सेल्स पर एक डिफरेंट बॉर्डर अपेयर होगा स्टूडेंट्स। तो आइए स्टूडेंट्स कर लेते हैं इसे। बी टू प्लस, अब हमें बी सेवन पर क्लिक करना है। बी थ्री पर क्लिक किया तो देखिए अदर कलर आ गया है। नाउ प्लस का मार्क अगेन लगाते हैं। एंड अब बी फोर, ये देखिए स्टूडेंट्स ये डिफरेंट कलर आ गया। नाउ अगेन प्लस मार्क एंड इस पर क्लिक करते हैं। देखिए स्टूडेंट डिफरेंट कलर। इस तरह से हम सभी पर कर लेते हैं। एंड लास्ट वन। सो स्टूडेंट्स दिस इज बेसिक फॉर्मूला इन एक्सेल। नाउ वापस नोट्स पर चलते हैं और कुछ क्विक व्यू में बताया गया है वो नॉलेज ले लेते हैं। टू एंटर और मॉडिफाई अ फॉर्मूला इन अ सेल। एक सेल में फॉर्मूला को एंटर या मॉडिफाई करने के लिए यू कैन ऑल्सो प्रेस F2। आप F2 भी प्रेस कर सकते हैं आफ्टर सेलेक्टिंग द सेल, सेल को सेलेक्ट करने के बाद। एनी चेंजेस दैट यू मेक इन डेटा विल बी रिफ्लेक्टेड इन द फॉर्मूला रिजल्ट। कोई भी चेंज जो आप करते हैं डेटा में विल बी रिफ्लेक्टेड, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा इन द फॉर्मूला रिजल्ट। फॉर्मूला रिजल्ट में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। एंड सेकेंड है क्विक व्यू में टू कॉपी द फॉर्मूला फ्रॉम द अबव सेल। ऊपर के सेल से फॉर्मूला को कॉपी करने के लिए प्रेस कंट्रोल प्लस अपॉस्ट्रॉफी। कंट्रोल के साथ अपॉस्ट्रॉफी का कॉम्बिनेशन करके आप फॉर्मूला को कॉपी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स ये भी हम करके देख लेते हैं। F2 प्रेस करके क्या रिजल्ट आता है स्टूडेंट्स देखते हैं। यहाँ पर यहाँ मैं F2 प्रेस कर देती हूँ स्टूडेंट्स। सेलेक्ट करके मैंने सेल को सेलेक्ट कर लिया स्टूडेंट्स। तो यहाँ मैं F2 प्रेस करती हूँ तो देखिए स्टूडेंट्स सभी सेल्स का एक फॉर्मूला यहाँ पर आ चुका है। यदि हम इसमें कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं तो चेंजिंग भी कर सकते हैं, और यदि हमने कोई चेंजिंग किया है तो वो भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाता है स्टूडेंट्स। एंड स्टूडेंट्स नेक्स्ट बताया गया कि यदि हम इस फॉर्मूला को कॉपी करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। यहाँ पर हमें नीचे वाले सेल में बिल्कुल इसके डाउन में जो सेल है उस पर क्लिक करना होगा एंड कंट्रोल के साथ हम अपॉस्ट्रॉफी प्रेस करेंगे। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला यहाँ पर कॉपी होकर आ गया है। यहाँ पर ये फिगर नहीं आई है स्टूडेंट्स, ओनली फॉर्मूला कॉपी हुआ है। यदि हम इस पर एंटर कर देते हैं तो ये एज इट इज़ जो टोटल है वो नीचे भी आ जाता है स्टूडेंट्स। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर भी करना चाहूँ स्टूडेंट्स कंट्रोल के साथ, सो देखिए स्टूडेंट्स अगेन ये 8900 यहाँ पर आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स यूजिंग कंपाउंड फार्मूला, कंपाउंड फार्मूले का यूज़ करना सीखते हैं। कंपाउंड फार्मूलाज आर यूज व्हेन मोर देन वन ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म कैलकुलेशन। कंपाउंड फार्मूला का यूज़ किया जाता है जब हम एक से अधिक ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट होती है हमें किसी कैलकुलेशन को करने के लिए, तब हम कंपाउंड फार्मूला का यूज़ करते हैं। लेट अस यूज इट टू कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट बाय यूजिंग द फार्मूला इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी डिवाइड 100। स्टूडेंट्स चलिए यूज़ करते हैं सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ करके। इस फॉर्मूले का यूज़ के द्वारा हम सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेट करके देखते हैं। सो एंटर द डाटा एज शोन इन फिगर 3.2। डाटा को एंटर करेंगे एक्सेल में 3.2 फिगर में जो दिखाया गया है। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ये दिखाया गया है। इस तरह से हमें डाटा को एंटर करना है एंड नाउ फॉलोइंग द गिवन स्टेप्स, और फिर ये स्टेप्स जो दिए गए हैं वो फॉलो करने हैं। सो स्टूडेंट्स लेट्स बिगिन। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक्सेल के अंदर ये शीट टाइप कर ली है। आप देख सकते हैं प्रिंसिपल रेट टाइम एंड सिंपल इंटरेस्ट। स्टूडेंट्स पी का मीन्स होता है प्रिंसिपल वैल्यू, आर का मीन्स होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम होता है इन अ ईयर। हमने टाइम टी का मीन्स होता है टाइम, और यहाँ पर हम SI निकालेंगे स्टूडेंट्स सिंपल इंटरेस्ट। सो यहाँ पर हमने प्रिंसिपल वैल्यू डाल दी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया है कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है एंड ईयर्स डाल दिए हैं स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर एंटर द डाटा, ये तो हो चुका है। अब यहाँ पर देखते हैं क्लिक ऑन द सेल B6 एंड टाइप इक्वल टू। अब हमें B6 सेल पर क्लिक करना है और वहाँ पर इक्वल टू का मार्क लगाना है। स्टूडेंट्स देख लेते हैं B6 कहाँ पर है, B एंड 6, तो यहाँ पर हमें क्लिक करके इक्वल टू का मार्क लगाना है एंड देन क्लिक ऑन द सेल B2। द सेल एड्रेस ऑफ B2 अपेयर्स इन द सेल B6। और अब हमें B2 सेल पर क्लिक करना है। B2 सेल ये रहा, इस पर क्लिक करेंगे एंड देन द सेल एड्रेस इज अपेयरिंग इन द सेल B6। नाउ स्टूडेंट्स टाइप द सिंबल मल्टीप्लाई एंड क्लिक ऑन द सेल B3।
अब हमें मल्टीप्लाई का मार्क लगाना है, सिंबल लगाना है। ये देखिए मैंने कीबोर्ड से शिफ्ट का प्रेस करके अपने लेफ्ट साइड में जो अपर सेकंड रो होती है उसमें जो हमारे सिंबल्स हैं उन्हें शिफ्ट के साथ प्रेस किया है। आप लेफ्ट कीबोर्ड की जगह राइट साइड में भी क्लिक कर सकते हैं, डायरेक्टली हो जाएगा। एंड देन स्टूडेंट्स, अब इसमें हमने मल्टीप्लाई का मार्क करके हमें B3 पर क्लिक भी करना है, ये हमने क्लिक कर दिया है स्टूडेंट्स। देन अगेन टाइप द सिंबल मल्टीप्लाई इन द सेल B6 एंड क्लिक ऑन द सेल B4। नाउ हमें अगेन मल्टीप्लाई का मार्क प्रेस करना है एंड B4 पर क्लिक कर देना है, ये हमने क्लिक कर दिया स्टूडेंट्स। नाउ टाइप द सिंबल डिवाइडेशन फॉलोड बाय 100 इन द सेल B6, और हमें इसे डिवाइडेशन का मार्क लगाने के बाद हमें 100 लिख देना है वहाँ पर सेल B6 एंड द सेल B6 एंड प्रेस द एंटर की, और उसके बाद एंटर की प्रेस करनी है। अब हम यहाँ पर स्टूडेंट्स डिवाइडेशन का मार्क लगाते हैं एंड 100 टाइप कर देते हैं। देन आगे कहा गया है द सेल B6 डिस्प्ले द कैलकुलेटेड सिंपल इंटरेस्ट, जैसे ही हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर सेल B6 में आपका आंसर आ जाएगा, तो हम एंटर करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर आ चुका है। नेक्स्ट है नोट दैट द रिजल्ट अपेयर इन द सेल, जो रिजल्ट सेल में अपेयर होता है बट द एक्चुअल फॉर्मूला इज विजिबल ऑन द फॉर्मूला बार, जो भी हमारे सेल में अपेयर हो रहा है रिजल्ट लेकिन उसमें एक्चुअल फॉर्मूला कहाँ पर विजिबल हो रहा है स्टूडेंट्स, फॉर्मूला बार में आप देख सकते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ क्लिक करेंगे तो फॉर्मूला बार यहाँ पर है, ये आपको बता रहा है कि ये फॉर्मूला आपने यूज़ किया है। सो इस तरह से हम स्टूडेंट्स यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं कंपाउंड फॉर्मूला के द्वारा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स यूजिंग फॉर्मूला ऑन टेक्स्ट, टेक्स्ट पर फॉर्मूले का यूज़ करना। वी कैन ऑल्सो परफॉर्म एडिशन ऑपरेशन ऑन कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग डेटा टाइप्स, हम एडिशन ऑपरेशन का यूज़ स्ट्रिंग एंड कैरेक्टर्स डेटा टाइप पर भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। एक्सेप्ट फॉर एडिशन, एडिशन के सिवाय अदर ऑपरेशंस लाइक सब्स्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एटसेट्रा आर नॉट अलाउड ऑन द स्ट्रिंग डेटा टाइप। अदर ऑपरेशंस जैसे कि सब्स्ट्रैक्शन है मल्टीप्लिकेशन है डिवीजन एटसेट्रा जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो स्ट्रिंग डेटा टाइप में अलाउ नहीं करते, केवल एडिशन ही अलाउ करता है, एडिशन का यूज़ किया जाता है। एडिशन ऑपरेशन स्ट्रिंग डेटा टाइप और कैरेक्टर में भी हो सकता है स्टूडेंट्स। द ampersand सिंबल इज यूज टू परफॉर्म एडिशन, ये सिंबल देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स आप, दिस इज द ampersand सिंबल। इसे यदि हम टेक्स्ट में टाइप करते हैं तो इसे एंड बोला जाता है, बट जब हम कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं स्टूडेंट्स तब हम इसको ampersand बोलते हैं, तो इसका यूज किया जाता है एडिशन परफॉर्म करने के लिए। द एडिशन ऑफ टू और मोर टेक्स्ट वैल्यू इज कॉल्ड कंकेटिनेशन, दो या दो से अधिक टेक्स्ट को की वैल्यू को ऐड करने को स्टूडेंट्स कहा जाता है कंकेटिनेशन। लेट अस अंडरस्टैंड दिस, चलिए इसे समझ लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसे समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। एंटर एनी स्ट्रिंग टाइप वैल्यू इन सेल A1 एंड B1, से KIPS किप्स इन A1 एंड इंडिया इन B1। सो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर एक्सेल ओपन किया हुआ है एंड यहाँ एग्जाम्पल से समझते हैं, एक प्रैक्टिकली नॉलेज ले लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ एक्सेल में मैं फर्स्टली A1 सेल सेलेक्ट करती हूँ, सो A एंड 1 A1 सेल यहाँ पर सेलेक्ट है और हम यहाँ पर टाइप करते हैं किप्स, शिफ्ट के साथ K प्रेस करेंगे सो K कैपिटल में आ जाएगा IPS किप्स। नाउ B1 सेल में हमें इंडिया लिखना है, सो B एंड 1 सेल, 1 तो रो है ही है सो B1 सेल आ जाएगा, इसमें हम लिखेंगे शिफ्ट के साथ I प्रेस करेंगे एंड NDIA, यहाँ पर हमने इंडिया टाइप कर लिया है। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट है एंटर द फॉर्मूला इन C1 सेल, C1 सेल में हमें फॉर्मूला करना है तो C1 सेल ये है, यहाँ पर हमें फर्स्टली इक्वल टू का मार्क लगाना है। इक्वल टू का मार्क लगाने के बाद हमें A1 एंड एंड जिसे हम ampersand बोलते हैं, A1 ampersand B1, सो इक्वल टू यहाँ पे मैं लिखती हूँ A1 एंड शिफ्ट के साथ हम प्रेस करेंगे स्टूडेंट 7, जो हमारी सेकेंड रो होती है लेफ्ट साइड में वहाँ पर 7 शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो एंड का मार्क आ जाएगा। आगे स्टूडेंट्स नाउ हमें यहाँ पर लिखना होगा B1, सो देखिए स्टूडेंट्स A1 से ये सेलेक्ट हो गया था किप्स एंड यहाँ पर हमने ampersand का मार्क लगाया और B1 को किया तो यहाँ पर B1 भी सेलेक्ट हो चुका है। नाउ हमें एंटर करना होगा, एंटर की प्रेस करते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स
इट विल डिस्प्ले केप्सिंडिया इन सेल C1। यहाँ पर ये C1 आपको डिस्प्ले करके दिखा रहा है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ हमने कनकाटिनेट कर लिया है। कनकाटिनेट का मीन्स होता है कि टू वर्ड्स को एडिट करना, ऐड करना, एडिशन इसे ही बोला जाता है इसमें। जब हम टेक्स्ट को एडिशन करते हैं तो इसी तरह से करते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, इसमें आगे हमें कुछ नोट दिया गया है। यू कैन ऐड अ स्पेस बिटवीन द जॉइंट वैल्यू। आप जॉइंट वैल्यू को, जो हमने जॉइंट की है वैल्यू टेक्स्ट की, उन्हें स्पेस भी दे सकते हैं, ऐड कर सकते हैं उसमें स्पेस, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ कोई स्पेस नहीं है। किप्स और इंडिया टुगेदर हैं, बट यहाँ बीच में कोई स्पेस नहीं है। बिटवीन द जॉइंट वैल्यू बाय एनक्लोजिंग सिंगल स्पेस विद कोटेशन मार्क। आप इसमें एक सिंगल स्पेस जोड़कर, जो कि कोटेशन मार्क के साथ आपका जोड़ा जाएगा, उसे जोड़कर आप इसमें स्पेस लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द अबव केस, ऊपर वाले केस में, मीन्स इस वाले केस में हमें क्या करना होगा, A1 ampersand और यहाँ पर हमें कोटेशन मार्क देना होगा, देन एक स्पेस प्रेस करना होगा। देखिए यहाँ पर स्पेस दिया हुआ है, देन अगेन कोटेशन मार्क से इसे क्लोज करेंगे एंड अगेन ampersand प्रेस करेंगे और B1 लिख देंगे। B1 तो हमारा एड है ही। विल यील्ड द रिजल्ट एज, सो वो इस तरह से रिजल्ट दिखाएगा, किप्स एंड इंडिया। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्पेस आ गया है। सो स्टूडेंट्स, इसे हम करके देखते हैं। यहाँ हम अपने फॉर्मूला में, यहाँ पर हम डबल क्लिक कर सकते हैं या फिर फॉर्मूला बार में भी जाके आप कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, जैसे ही आप फॉर्मूला बार में जाते हैं तो यह फॉर्मूला एक्टिव हो जाता है। सो हम यहाँ पर फर्स्टली क्या करेंगे, A1 और उसके बाद ampersand के बाद हम क्लिक करेंगे एंड या कोटेशन मार्क, शिफ्ट के साथ हमें कोटेशन मार्क क्लिक करना होगा। देखिए कोटेशन मार्क लग चुका है। अब यहाँ पर स्पेस प्रेस करेंगे स्टूडेंट्स, देन अगेन कोटेशन मार्क से इसे क्लोज कर देंगे स्पेस को, देन यहाँ पर ampersand अगेन ऐड करेंगे शिफ्ट के साथ 7। सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये हमारा हो चुका है। अब हम इसे एंटर करके देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर किप्स के बाद अब एक स्पेस आ चुका है और यहाँ इंडिया थोड़ा डिस्टेंस पर आ गया है, तो इस तरह से स्पेस दे सकते हैं स्टूडेंट्स। यदि आप इसे स्पेस को और बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर स्पेस जो आपने दिया उस पर एक स्पेस और दे दीजिए, तो आप देखेंगे एंटर करते ही यहाँ डबल स्पेस आ जाएगा। सो इस तरह से हम इसमें स्पेस भी दे सकते हैं। दिस नोट इज वेरी यूजफुल फॉर अस। नेक्स्ट है स्टूडेंट, सेल रेंज। अ रेंज इज अ ग्रुप ऑफ कंटिग्यूअस सेल्स। एक रेंज होती है कंटिग्यूअस सेल्स का एक ग्रुप, जो मिले जुले सेल होते हैं, मिले हुए सेल्स का एक ग्रुप जो होता है उसे रेंज कहा जाता है स्टूडेंट्स। विच फॉर्म्स द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल, जो कि एक रेक्टेंगल की शेप की फॉर्म के होते हैं। इट कैन बी अ ग्रुप ऑफ टू सेल्स, ये दो सेल का ग्रुप भी हो सकता है, और एज बिग, और इतना बड़ा हो सकता है जैसे कि एक एंटायर शीट। हम पूरी शीट को भी सेल रेंज में ले सकते हैं स्टूडेंट्स। यू कैन स्पेसिफाई अ रेंज बाय राइटिंग द स्टार्टिंग सेल एड्रेस फॉलोड बाय द एंडिंग सेल एड्रेस। आप एक रेंज को स्पेसिफाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स लिखकर। कैसे लिखकर, स्टार्टिंग सेल एड्रेस को और एंडिंग सेल एड्रेस को, दोनों को लिखने के बाद आप उसे स्पेसिफाई कर सकते हैं रेंज को। लेकिन उसे लिखने का मेथड होता है स्टूडेंट्स बोथ सेपरेटेड बाय अ कॉलन, दोनों को कॉलन में सेपरेटेड लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में देखें तो C1:C10। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो बीच में मार्क है, दो बिंदियां आपको दिख रही हैं, डॉट्स हैं, इन दोनों को जो लिखा हुआ है इसे हम कॉलन बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, इन दोनों के बीच में हम कॉलन लगा देंगे, सो इंडिकेट्स अ रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम सेल C1 एंड एंडिंग विद C10। ये इंडिकेट करता है कि यहाँ C1 से आपका स्टार्ट हो चुका है सेल रेंज एंड C10 पर एंडिंग हो जाएगा। नाउ आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, सेलेक्टिंग अ रेंज। एक रेंज को सेलेक्ट करना सीखते हैं स्टूडेंट्स। रेंज को सेलेक्ट करने के 3-4 मेथड होते हैं स्टूडेंट्स, उसमें से यहाँ कुछ मेथड्स बताए गए हैं। फर्स्ट मेथड है क्लिक ऑन द फर्स्ट सेल इन द रेंज। रेंज में, फर्स्ट सेल में, जो भी आपको रेंज में लेना है सेल, उसका फर्स्ट सेल आपको सेलेक्ट करना होगा, क्लिक करना होगा उस पर, एंड व्हाइल होल्डिंग डाउन द लेफ्ट माउस बटन, और लेफ्ट माउस बटन को होल्ड करना है, ड्रैग इट टू द लास्ट सेल, और उसे होल्ड करते हुए, होल्ड करे रखना है और उसे ड्रैग करके लास्ट सेल तक लाना है, जहां तक आप सेलेक्ट करना चाहते हैं स्टूडेंट्स। प्रैक्टिकली समझते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ एक्सेल की शीट में देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ। यहाँ मैंने कहीं भी फॉर्मूला लगा देते हैं, इक्वल टू लगा देते हैं स्टूडेंट्स, और अब यहाँ पर आप सेल की रेंज देखिए, यहाँ मैंने क्लिक कर दिया है। अब मैं माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक कर देती हूँ और इसे होल्ड कर लेती हूँ, और इसको नीचे लेकर जाना, डाउनली मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ, तो देखिए इस तरह से
हम रेंज को सेलेक्ट कर पा रहे हैं, एक रेंज ले पा रहे हैं, हम सेलेक्ट कर रहे हैं। सो एक मेथड तो स्टूडेंट्स ये है। एंड नेक्स्ट मेथड है स्टूडेंट्स, क्लिक ऑन द फर्स्ट सेल एंड होल्ड डाउन द शिफ्ट की। अब आपको पहले सेल पर क्लिक करना है, जो भी फर्स्ट सेल आपका रेंज में है उसके फर्स्ट सेल को सेलेक्ट करना है एंड होल्ड डाउन द शिफ्ट की, शिफ्ट की को होल्ड डाउन करना है व्हाइल यू प्रेस द एरो की। और जब आप एरो की प्रेस करेंगे टू एक्सटेंड द सिलेक्शन, तब आपको एक्सटेंड करने के लिए सिलेक्शन को एरो की का यूज करना होगा, उसमें हम माउस का यूज नहीं करेंगे, ये विदाउट माउस है स्टूडेंट्स। तो देखते हैं स्टूडेंट्स ये कैसे हो सकता है। मैंने यहाँ पर रेंज पर क्लिक कर दिया है, नाउ फर्स्ट सेल पर क्लिक हो चुका है। अब मैं शिफ्ट का यूज़ कर रही हूँ कीबोर्ड से एंड एरो का की का यूज़ करके मैं इसे नीचे लेकर जाती हूँ। सो स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे वन बाय वन ये सेलेक्ट होते जा रहे हैं। नेक्स्ट मेथड है स्टूडेंट्स, सेलेक्ट द फर्स्ट सेल इन द रेंज एंड देन प्रेस F8 टू एक्सटेंड द सिलेक्शन बाय यूजिंग द एरो की। फर्स्ट सेल को सेलेक्ट करते हैं रेंज में एंड देन प्रेस F8। सेलेक्ट करने के बाद हमें F8 प्रेस करना होता है स्टूडेंट्स टू एक्सटेंड द सिलेक्शन, सिलेक्शन को एक्सटेंड करने के लिए बाय यूजिंग द एरो की, एरो की का यूज करके। सो स्टूडेंट्स इसे भी हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। यह हमने एक्सेल पर फर्स्ट सेल को सेलेक्ट कर लिया है स्टूडेंट्स। नाउ क्या किया जाएगा, फर्स्टली हमें F8 की पर प्रेस करना होगा। तो मैं अभी कीबोर्ड से फर्स्ट रो में कीबोर्ड की जो F8 की होती है उसे प्रेस कर दिया मैंने। नाउ स्टूडेंट्स मैं एरो की का यूज करती हूँ। सो आप देख सकते हैं कि एरो की से हम इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स यहाँ कहा गया है टू स्टॉप एक्सटेंडिंग द सिलेक्शन प्रेस F8 अगेन। आपको यदि इस सिलेक्शन को एक्सटेंड को रोकना है तो आपको क्या करना होगा स्टूडेंट्स, F8 अगेन प्रेस कर देंगे। सो यहाँ हमारी ये सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ पर सिलेक्शन होना रुक जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स हम इसे रेंजिंग को फॉर्मूले में यूज करके देखते हैं। टाइप्स द डेटा एज शोन इन फिगर 3.4 में जो डेटा है उसे टाइप करना है एंड क्लिक ऑन द सेल B8 एंड टाइप द फॉर्मूला। दिस फॉर्मूले को हमें टाइप करना है। सो स्टूडेंट्स मैंने ये शीट तो ऑलरेडी बनाई हुई है। सो यहाँ पर हम B8 पर क्लिक करेंगे और यहाँ इक्वल टू का मार्क लगा के इस फॉर्मूले को टाइप करेंगे। ये सम का फॉर्मूला है, टोटल करने का फॉर्मूला है। सो मैंने इक्वल टू टाइप कर दिया है, देन SUM सम प्रेस करके यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट किया स्टूडेंट्स एंड B2 टाइप किया, क्योंकि हमें B2 से लेकर B7 तक सिलेक्शन चाहिए इसलिए कॉलन लगाया एंड B7 कर दिया स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि B2 से B7 तक सिलेक्शन हो चुका है। अब हम इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं एंड यहाँ पर प्रेस द एंटर की, द टोटल विल बी डिस्प्लेड इन सेल B8। तो हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर टोटल आ गया है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स नेमिंग अ रेंज। टिल नाउ यू हैव सीन दैट व्हेन एवर यू वांट टू रेफर टू अ रेंज ऑफ सेल्स। अभी तक आपने देखा कि जब कभी आप एक सेल की रेंज को रेफर करना चाहते हैं यू मेक यूज ऑफ सेल रेफरेंसेज। आप यूज करते हैं सेल रेफरेंसेज का, लाइक B2:B7 इस तरह से आप रेंज देते हैं स्टूडेंट्स, इस तरह से सेल का रेफरेंस दिया जाता है। एक्सेल प्रोवाइडर्स, एक्सेल हमें प्रोवाइड कराता है एक दूसरा ऑप्शन सेल्स की रेंज को रेफर करने का बाय गिविंग अ सुटेबल एंड मीनिंगफुल नेम टू द सेल रेंज। सेल की रेंज को एक सुटेबल और मीनिंगफुल नेम देकर भी हम रेंज को, सेल की रेंज को रेफर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। टू डिफाइन अ नेम फॉर अ रेंज, एक रेंज को नेम डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना होगा, फर्स्टली सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स दैट यू वॉन्ट टू नेम, लेट अस से B2:B7। फर्स्टली हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, रेंज को सेलेक्ट करेंगे, जो भी सेल की रेंज है उन्हें सेलेक्ट करेंगे, जिसको आप नाम देना चाहते हैं उस रेंज को हम सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि कह सकते हैं B2 से B7 तक। ऑन द फॉर्मूला टैब सेकेंड में स्टूडेंट्स फॉर्मूला टैब पर इन द डिफाइंड नेम ग्रुप, डिफाइंड नेम ग्रुप में जाकर क्लिक ऑन द डिफाइंड नेम ऑप्शन, डिफाइंड नेम ऑप्शन पर क्लिक करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ दिखाया गया है कि हमने एक रेंज को सेलेक्ट किया, देन डिफाइंड ग्रुप में जाकर डिफाइंड नेम पर हमें क्लिक करना होगा। द न्यू नेम डायलॉग बॉक्स अपेयर्स, न्यू नेम से एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा स्टूडेंट्स। इन द नेम फील्ड, नेम फील्ड में एंटर द नेम दैट यू वांट टू स्पेसिफाई फॉर रेंज से यूनिट सोल्ड। नेम फील्ड में जाकर स्टूडेंट्स आपको नेम एंटर करना होता है, जो भी आप स्पेसिफाई रेंज देना चाहते हैं उसको एक नाम दिया जाता है।
जैसे हमने यहाँ पर दिया है यूनिट्स सॉल्व। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं नेम के आगे नेम फील्ड में हमने यूनिट सॉल्व के नेम से यह नेम दे दिया है। इन द स्कोप बॉक्स स्पेसिफाई द अवेलेबिलिटी ऑफ द रेंज नेम बाय चूजिंग वर्कबुक। स्कोप बॉक्स में रेंज के नेम की अवेलेबिलिटी आपको स्पेसिफाई करनी होती है स्टूडेंट्स, वो कैसे करेंगे, बाय चूजिंग वर्कबुक, वहाँ पर वर्कबुक को चूज करके। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर वर्कबुक को चूज करके हम उसकी अवेलेबिलिटी दिखा सकते हैं। एंड इफ़ यू वॉन्ट दिस टू बी नॉन टू ऑल द शीट्स इन द वर्कबुक, यदि आप चाहते हैं कि सभी शीट्स पर जो कि वर्कबुक में शीट्स होती हैं उन सभी पर जिस भी शीट में हम जाएं वहाँ पर इसकी अवेलेबिलिटी हो, इस रेंज की अवेलेबिलिटी हो जाए, तो उसके लिए हम वर्कबुक लेते हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू लिमिट द स्कोप ऑफ दिस रेंज, यदि आप इस रेंज को जो कि एक रेंज आप लेते हैं उसकी लिमिटेड रखना चाहते हैं स्कोप में, सो आप पर्टिकुलर वर्कशीट भी ले सकते हैं केवल। तो स्टूडेंट्स उसके लिए हमें वर्कबुक में जो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाएगी, उसमें से वर्कशीट का नेम ले लिया जाता है जो भी वर्कशीट होती है, देन सेलेक्ट द नेम ऑफ दैट वर्कशीट, उस वर्कशीट का नेम ले लेते हैं। राइट सम टेक्स्ट इन द कमेंट सेक्शन इफ यू वॉन्ट टू अटैच सम कमेंट्स विद दिस नेम। नीचे जो कमेंट सेक्शन आ जाता है उस कमेंट सेक्शन में कुछ टेक्स्ट लिखना होता है स्टूडेंट्स। इफ़ यू वॉन्ट टू अटैच सम कमेंट्स विद दिस नेम, यदि आप इस नेम के साथ कुछ कमेंट अटैच करना चाहते हैं तब। इन द रेफर्स टू फील्ड मेक श्योर दैट द रिक्वायर्ड रेंज इज स्पेसिफाइड, और रेफर्स टू फील्ड में आपको वो रिक्वायर्ड रेंज स्पेसिफाई करनी होती है कि वो रेंज आ चुकी है उसमें या नहीं, तो आपको मेक श्योर होना पड़ता है कि सुनिश्चित करना पड़ता है कि वो रेंज स्पेसिफाई हो जानी चाहिए। नाउ लास्ट में क्या करना होता है स्टूडेंट्स, क्लिक ऑन द ओके बटन, ओके बटन पर क्लिक करते हैं। द डिफाइंड नेम इज नाउ रेडी टू बी यूज इन द फॉर्मूला, तो डिफाइंड नेम अब रेडी है फॉर्मूला यूज करने के लिए, सो फॉर्मूला का यूज किया जाता है उस डिफाइंड नेम के द्वारा यूजिंग अ नेम्ड रेंज। नाउ स्टूडेंट्स नेम रेंज को यूज करके देखते हैं कैसे यूज करना है, प्रैक्टिकली देखेंगे। सो प्रैक्टिकली हम एक्सेल ओपन कर लेते हैं, एक्सेल की शीट ओपन हो चुकी है। लेट अस यूज द अबव क्रिएटेड नेम, चलिए यूज करते हैं ऊपर क्रिएटेड नेम को, यूनिट सोल्ड इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू फॉर टोटल सेल। सो फर्स्टली स्टूडेंट्स हम इसमें जो हमें ऊपर बताया गया है उसको फॉलो करते हैं, देन हम आगे बढ़ेंगे। सो फर्स्टली स्टूडेंट्स मैं रेंज सेलेक्ट कर लेती हूँ, जो भी मुझे लेनी है रेंज वो मैंने सेलेक्ट किया, मैंने उस एरिया को सेलेक्ट कर लिया जितना भी रेंज मुझे लेनी है। नेक्स्ट मैंने डिफाइन नेम में यहाँ पर फॉर्मूलाज में जाकर डिफाइन नेम में मैंने क्लिक किया एंड डिफाइन नेम पर क्लिक कर दिया, एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर इसका नेम आ गया है, इसका नेम यूनिट सोल्ड ले लें या हम इसे नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड भी ले सकते हैं, बट मैं यहाँ पर यूनिट सोल्ड ले लेती हूँ, बाकी को डिलीट कर देती हूँ। एंड देन स्कोप में मैंने इसे वर्कबुक या वर्कशीट जो भी लेना है, शीट वन पर ही अप्लाई करना है तो शीट वन ही लेंगे स्टूडेंट्स, शीट टू पर लेना है तो शीट टू लेंगे, अदरवाइज वर्कबुक, मैं इसे वर्कबुक ही ले लेती हूँ स्टूडेंट्स। एंड यहाँ स्पेसिफाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स रेफर्स टू में कि यहाँ पर हमारी रेंज आ चुकी है या नहीं। ये देखिए स्टूडेंट्स B2 to B7 यहाँ पर रेंज आ चुकी है, सो इसे ओके कर देते हैं। दिस नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, नेम शुड बी यूनिक, एक्चुअली स्टूडेंट्स मैंने ऑलरेडी इसमें किया हुआ है इसलिए ये यहाँ पर ऐसा बोल रहा है कि ये एग्जिस्ट है, तो ओके कर देते हैं स्टूडेंट्स। और इसका नेम चेंज कर देते हैं, यहाँ पर इसका हम यूनिट सोल्ड का नेम दे देते हैं, यूनिट सोल्ड 1। सो अब इसे ओके करते हैं स्टूडेंट्स, ये मैंने इसमें सेव कर दिया है डिफाइन नेम में। अब स्टूडेंट्स यहाँ बताया गया है कि यूनिट सोल्ड को यूज करते हैं, क्लिक ऑन द सेल B8 एंड टाइप द फॉर्मूला। अब हमें B8 पर जाना है स्टूडेंट्स, B8 पर हम जा चुके हैं, यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वल टू लगा के, सम का फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू SUM एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। नाउ इसमें बताया गया है नाउ क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द यूज इन फॉर्मूला, अब हमें यूज इन फॉर्मूला में ड्रॉप डाउन एरो पर जाना है। देखिए स्टूडेंट्स फॉर्मूलाज में ही डिफाइन नेम के जस्ट डाउन में यूज इन फॉर्मूला नाम से एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन एरो में, और देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर यूनिट सॉलिड वन से यहाँ पर एक हमारा ऑप्शन आ रहा है जो हमने डिफाइंड नेम किया था वो डिफाइंड नेम आ रहा है। नाउ इसमें कहा है यूज इन फॉर्मूला ऑप्शन में डिफाइन नेम ग्रुप ऑन द फॉर्मूला टैब एंड सेलेक्ट द नेम यूनिट सोल्ड फ्रॉम द डिस्प्ले लिस्ट, यहाँ पे यूनिट सोल्ड तो हम सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट्स क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, तो मैं यहाँ यूनिट सोल्ड वन जो मैंने अपने नेम से बनाया है, नेक्स्ट नेम जो बनाया है वो हम इसमें क्लिक कर देते हैं। सो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर यूनिट सोल्ड वन आ चुका है। आगे क्या कहा हुआ है स्टूडेंट्स द नेम गेट्स पेस्टेड इन द फॉर्मूला, फॉर्मूले में पेस्टेड हो जाएगा, देखिए स्टूडेंट्स पेस्टेड हो चुका है।
नाउ टाइप द क्लोजिंग ब्रैकेट टू कंप्लीट द फॉर्मूला डेफिनेशन। अब ब्रैकेट को क्लोज करेंगे इस फॉर्मूला डेफिनेशन को कंप्लीट करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज कर देती हूँ एंड आगे कहा गया है द फॉर्मूला वुड लुक लाइक एज, इस तरह से आपका फॉर्मूला लगेगा। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इसी तरह से हमारा फॉर्मूला लग चुका है, बस इसमें वन आ गया क्योंकि हमने सेविंग में थोड़ा डिफरेंट डिफाइन नेम है, डिफरेंट नेम लिया है। प्रेस एंटर की टू गेट द रिजल्ट इन द सेल। अब हमें एंटर की प्रेस करनी है और रिजल्ट देखेंगे हम स्टूडेंट। सो स्टूडेंट्स, यहाँ एंटर करते ही आंसर आ गया है एंड रिजल्ट दिखा दिया है इसने। सो दीज आर द वेरी गुड ऑप्शन इन एक्सेल एंड वी कैन यूज वेरी इजीली दीज ऑप्शंस। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आगे बताया गया है, एक टिप दी गई है स्टूडेंट्स, रेंज नेम्स आर नॉट केस सेंसिटिव। रेंज नेम केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अ लेटर एन अंडरस्कोर और अ बैक स्लैश। एक फर्स्ट कैरेक्टर जो होता है वो लेटर में होना चाहिए या एक अंडरस्कोर में होना चाहिए या फिर एक बैक स्लैश में होना चाहिए। द रेंज नेम मस्ट नॉट बी द सेम एज अ सेल एड्रेस। और स्टूडेंट्स ये भी ध्यान रखना है कि रेंज नेम सेम एज अ सेल एड्रेस, सेल एड्रेस के सेम में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो सेल एड्रेस का नेम है उस नेम में रेंज का नेम नहीं दिया जाना चाहिए स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स एंड नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।